दुश्मन के उड़ेंगे होश, तेजस बढ़ाएगा सेना का जोश। पाकिस्तान सीमा पर अब तेजस बनेगा हिंदुस्तान की शान। जरा भी हिमाकत की तो निशाने पर होंगे चीन पाकिस्तान। आ गया है आसमान का एक और पराक्रमी पहरेदार, करने दुश्मन को खबरदार। इस निगेबानी से नहीं बच पाएगी पाकिस्तान की कोई भी साजिश। सरहद से हौसले बढ़ाने वाली खबर यह है कि तेजस को पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात कर दिया गया है, वो भी ऑपरेशनल रोल में। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी ही जिम्मेदारी ये निभाएगा। यानी एलओसी पर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसकी खैर नहीं, और एलएसी पर चीन ने चालबाजी की तो पल भर में तेजस कर देगा काम तमाम। एलसीए को वेस्टर्न फ्रंट में तैनात करना बहुत बड़ा एक काम है। दो चीजें दर्शाता है, एक भारत का जो और भारतीय वायुसेना का एलसीए पर भरोसा। कोई भी वेपन सिस्टम तब तक दुश्मन के खिलाफ तैनात नहीं किया जाता है जब तक उसके ऊपर टेस्टिंग हो करके काफ़ी भरोसा ना आ जाए। तो ये भरोसा दिलाता है हमारे स्वदेशी फाइटर पे वेस्टर्न फ्रंट पे तैनात कराने में। तेजस को इससे पहले वेस्टर्न फ्रंट पर खूब इस्तेमाल किया गया है। पूरी तरह से ऑपरेशनल किरदार में इसने हजारों उड़ानें भरी है। तेजस 34वीं स्क्वाड्रन के तौर पर वायुसेना की शान बढ़ा रहा है। इसी साल मई में इसकी एक स्क्वाड्रन को कोयम्बटूर के पास शामिल किया गया था, जबकि इसकी दूसरी स्क्वाड्रन अंबाला में है। तेजस पाकिस्तान और चीन के थंडरबर्ड से कई गुना ज्यादा दमदार है। तेजस चौथी पीढ़ी का विमान है, जबकि थंडरबर्ड MiG-29 को सुधार कर बनाया गया है। यही वजह है कि तेजस की ढेर सारी खासियत एक तरफ सेना के हौसले बढ़ाती है तो दूसरी तरफ दुश्मन पर खौफ। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल डाल सकता है। तेजस 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर की दूरी एक बार में उड़ान भर सकता है। सभी हथियारों के साथ इसका वजन 13,500 किलो है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, अस्राम और मेटियोर। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस एनजी और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्रह्मोस एनजी एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती है। इस पर लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्युमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया जाता है। तेजस की खूबियां तो कई हैं, जैसे 1.8 मैक की स्पीड, इसकी डर्बी और अस्त्र मिसाइलों का प्रयोग कर पाने की क्षमता, हल्का वजन वगैरह, लेकिन खास तौर पर इसकी मनोवरेबिलिटी और स्फूर्ति वाले मूवमेंट, जिन्हें हम एजिलिटी कहते हैं, उनकी चर्चा ज्यादा है। पिछले 2 एरो इंडिया एयर शोज में हमने बैंगलोर में तेजस को अपना कमाल दिखाते हुए देखा ही है। तेजस की खासियत इसका विंग स्पैन है, यानी कि विंग को बनाते समय विंग की थिकनेस, ट्विस्ट और कर्व, जिसे कैम्बर कहते हैं, इन्हें इसकी ऑपरेशनल एजिलिटी के हिसाब से सबसे सूटेबल रखा गया है। सरहद पर तेजस की तैनाती के साथ ही सैन्य क्षेत्र के आत्मनिर्भर अभियान में और तेजी आने के आसार हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही 83 Mark A1 LCA की डील भी फाइनल हो जाएगी। थल सेना और वायुसेना के प्रमुख इनके ऑपरेशन रोल पर पहले ही खुशी जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान पर जोर देने के बाद हाल ही में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी चीन सीमा पर तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख ने इस महीने ही लद्दाख में ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर से उड़ान भी भरी थी और वो स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर से खासे प्रभावित हुए थे। जाहिर है ये सारी कवायद रक्षा मंत्रालय के उस मोर्चे पर मुस्तैद होने का आगाज है, जिसके तहत 101 हथियारों और सैन्य साजो सामान के आयात पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है
कि हमने पहली बार 101 आइटम्स की एक ऐसी सूची निकाली है जो अब हम किसी भी सूरत में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है यह नेगेटिव लिस्ट इंपोर्ट की तैयार करके, और इस सूची को हम नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्मॉल आइटम्स ही नहीं बल्कि हाई और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले वेपन सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। अब तेजस की पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनाती से ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में स्वदेशी हथियार और सैन्य उपकरण तिरंगे की शान बढ़ाते दिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में आने वाले दिनों में और स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA शामिल किए जाएंगे। और इस बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर LCA की एक स्क्वाड्रन तैनात कर दी है। ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं जब आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारतीय सेनाएं स्वदेशी लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार इस्तेमाल करेंगी। मंजीत नेगी, दिल्ली।